पाब्लो रुइस पिकासो की 20वीं सदी के 5 प्रमुख उल्लेखनीय नामों में गणना की जाती है। वो अपने समय के सर्वाधिक सृजनशील तथा महानतम चित्रकार रहे हैं। पिकासो के आगे प्राचीन कला का मर्मज्ञ भी गौण होते प्रतीत होते हैं। अपने 78 वर्षीय कलाकार जीवन में उन्होंने लगभग 13,500 पेंटिंग, 34,000 पुस्तक चित्र, 300 मूर्ति शिल्प तथा अन्य असंख्य कलाकृतियों की रचना की। उनकी रचनाओं का कुल मूल्य 50 करोड़ पाउंड से अधिक आंका जाता है। उनके अत्यंत मूल्यवान चित्रों में दो नाम हैं, टू ब्रदर्स तथा सिटेड हार्लिंगन। पिकासो द्वारा 1901 में बनाई गई सेल्फ पोर्ट्रेट यो पिकासो नामक पेंटिंग 21 मई 1981 को न्यूयॉर्क में 55 लाख डॉलर में खरीदी गई थी। आज भी कला प्रदर्शनों में पिकासो के चित्र को सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं। अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के प्रवर्तक पिकासो 20वीं सदी के कला आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने चित्रकला की एक नई शैली क्यूबिज्म का भी आविष्कार किया, जिसमें वस्तुओं को त्रियामी यानी थ्री डायमेंशनल प्रस्तुति की जाती है। उन्होंने परंपरा से हटकर चित्रकला की एक सर्वथा नवीन विद्या विश्व को दी और अपने इस उपलब्धि के कारण वे आजीवन विवादों से घिरे रहे, परंतु कला के क्षेत्र को उनके इस क्रांतिकारी योगदान ने अमिट रूप से प्रभावित किया है। पिकासो का पूरा नाम था पाब्लो डाइगो जोस फ्रांडेस्का डी पाउला नेपो मोनिसो क्रिस्पिन क्रिस्पेनो डिला सांटेजिमा ट्रिनिनाद रुइज यो पिकासो। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन में मालागा नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता जोस रुइज प्लास्को कला के अध्यापक थे। पिकासो ने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया था। 9 वर्ष की अवस्था में ही वे सुंदर चित्रों का निर्माण करने लगे थे और शीघ्र ही उनकी विलक्षण प्रतिभा प्रकाश में आने लगी। 1904 में वे पेरिस आकर बस गए थे, जहां उन्होंने फर्नांडे ओलिवर से विवाह कर लिया था। 91 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ।